एवरीवन, आशा की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जिमीकंद की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको सूरन भी बोलते हैं और ओल भी बोला जाता है। ये मैं जिमीकंद ली हूँ, 500 ग्राम जिमीकंद है ये। इसको मैंने अच्छे से छील करके, काट करके और अच्छे से वॉश कर रखी हूँ। और इसके साथ ही ये मैं कुछ साबुत मसाले ले रही हूँ, खड़े मसाले, जो कि ये धनिया है साबुत वाली, और ये कुछ लहसुन की कली है, और 2 प्याज मीडियम साइज़ का, और ये 4 लाल मिर्च साबुत वाली, और कुछ अदरक के टुकड़े हैं, और ये खड़े जीरे और थोड़ी सी सरसों के दाने। इससे अच्छा फ्लेवर आता है और सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जिमीकंद को फ्राई करते हैं। जिमीकंद को फ्राई करने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, और उसमें 4 बड़े चम्मच हमने तेल डाल दिया है, और तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब इस टाइम में मैं ये सारे जिमीकंद को इसमें डाल दूँगी। अब इसको ब्राउन कलर होने तक थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब इसको ढक देते हैं, तब तक ये ब्राउन हो जाएगा, इसमें पक भी जाएगा। जब तक ये ब्राउन हो रहा है, फ्राई हो रहा है, तब तक हम ये सारे जो मसाले लिए हैं उसको हम एक जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसको गीला पीसना है हमें, ग्राइंड कर लेते हैं इन सारे सूखे मसाले को। तो देखिए, ये सारे मसाले को मैंने ग्राइंड कर ली ग्राइंडर जार में डाल के। बहुत ही बारीक ग्राइंड करना है इसको। अब देखते हैं, हमारे जिमीकंद भी फ्राई हो चुका है, पूरा कलर भी आ गया इसमें, और ये कुक भी हो चुका है अच्छे से। देखते हैं एक को दबा के कैसे पक गया है या नहीं पका है। तो देखिए, ये पक चुका है, ये अभी कट रहा है आसानी से। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो सारे जिमीकंद को मैंने प्लेट में निकाल ली। अब इसी कढ़ाई में वापस से तेल में थोड़ी सी डाल दूँगी हींग, और इसके साथ ही डाल दूँगी आधी चम्मच जीरा, और इसके साथ ये मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जिसका मैं पेस्ट तैयार करी हूँ मसाले का, वो मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। मसाले को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं कुछ सूखा मसाला ऐड करूंगी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1 चम्मच छोटी चम्मच, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी 1 चम्मच कलर के लिए, ताकि इसमें कलर आ जाए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालूंगी, स्वाद के अनुसार आप नमक लें। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला दूंगी। और एक बातों को ध्यान रखना है आप लोगों को, कि जिमीकंद का साइज़ जो है सो थोड़ा छोटा ही कट करना है। अगर आप बड़े कट करेंगे मोटे साइज़ में, तो उसको आपको बॉयल करना पड़ेगा, नहीं तो पकेगा ये नहीं अच्छे से। अगर छोटे पीस में आप काटते हैं तो ये तेल में अच्छे से फ्राई हो जाएगा और कुक भी हो जाएगा। मैंने छोटे पीस में ही कट कर लिया है। अब इन मसाले को 5-7 मिनट तक हम भूनेंगे धीमी फ्लेम पे, धीमी आंच पे इसको भून लेंगे अच्छे से। 5 मिनट हो चुका है मसाले को भूनते हुए। अब इसमें तेल भी छोड़ दिया है, मसाले हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये जिमीकंद जो फ्राई करके रखी हूँ इसको डाल दूंगी, इसके सब मसाला के साथ इसको 2 मिनट तक भून लूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें। अब इन सबको मिला के अच्छे से 2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। और इस सब्ज़ी में मैं टमाटर का यूज़ नहीं की हूँ, अगर आप चाहे तो टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बिना टमाटर के ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहे तो टमाटर डाल के भी बना सकते हैं। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम देख रहे हैं ये थोड़े से अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो चुका है, भुन चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से ले, ज़्यादा गाढ़ा और पतला ग्रेवी जैसा रखना है उस हिसाब से ले आप पानी। तो मैं बस इतना ही 1 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा पानी नहीं लूँगी, इतना में ठीक है। अब इसको ढक के 5-7 मिनट तक पका लेना है, अच्छे से उबाल आ जाए इसमें। 5-7 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। 5-7 मिनट हो चुके हैं, तो आइए आप एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा सब्जी बनके तैयार हो चुका है, और ये पक भी गया अच्छे से, तरी भी अच्छी हो गई है इसमें। तो चलिए अब गैस को हम ऑफ करते हैं, अब ले चलते हैं इसको सर्व करने की प्रोसेस में। तो ये हमारी जिमीकंद की सब्जी बनके तैयार है, अब इसे आप सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठा के साथ, चावल के साथ। चावल के साथ तो ये और भी मज़ेदार लगती है खाने में। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।